देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। वजीर आपासी उत्तम कुमार रेड्डी ने धान की फरोख्त और चावल की खरीदी में भारी स्कैम से मुतालिक बीआरएस और बीजेपी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। बीआरएस और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और स्कैम के बारे में इल्ज़ाम बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बीआरएस दौर हुकूमत में सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को 58,000 करोड़ का मखरूज बना दिया गया था। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में साबिक बीआरएस दौर हुकूमत में कर्जजात 11,000 करोड़ तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से तमाम अकसाम की धान खरीदने का फैसला किया है और हालिया बारिश से मुतासरा धान भी खरीदी जा रही है। महेश्वरी, सब झूठे आरोप है। हम जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में ये पैडी प्रोक्योरमेंट में, पीडीएस इश्यूज में, पैडी ऑक्शन में, सभी इश्यूज में पूरा ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, ये गलत एक्यूजेशंस कर रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं।